हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं एक बार फिर चरणजीत सिंह चहल आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो लेके। आज कहा लग रहा डॉलर ठीक ही है यार। नारे मैं हेयरस्टाइल भी चेंज की, देखो लुक्स नाइस, मुझे तो अच्छा लगता है। बाकी आप बताना मुझे कैसा लग रहा है। सो आज एक मैं नई वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे भी नेम ऑफ एक्सरसाइजेस। नए लोग जिम ज्वाइन करते हैं, या फिर जिनको काफ़ी टाइम भी हो गया, चार चार साल भी हो गए लोगों को ज्वाइन किए हुए, तीन तीन साल, दो दो साल, तो बड़ा एक यूनिक सा टॉपिक है जो मैं लेके आया हूँ। और बहुत प्रैक्टिकल थिंग है ये, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। आप किसी को जिम में जिनको इतने साल हो गया वर्कआउट करते हैं, कभी एक एक्सरसाइज का नाम पूछेगा तो उन्हें कई बार पता नहीं होता भी कौन सी एक्सरसाइज है ये। सो ये लैक ऑफ नॉलेज लगा लो उनकी, या फिर जो ट्रेनर्स हैं, ठीक है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा भी, वो नहीं बताते हैं नॉल, ये सब अपने अपने नॉलेज के हिसाब से है सबको। कि भाई उनको बताना चाहिए भी इस एक्सरसाइज का क्या नाम है जो आप कर रहे हो। अब जैसे आप कोई घर का कोई काम करते हैं, आपको पता है ना कि मैंने बर्तन धोने हैं, तो भाई मैंने धोने हैं बर्तन, है वो मेरे को धोने पड़ेंगे। अब ऐसे तो नहीं मैं कहूँगा भाई ऐसे ऐसे कर ले, ठीक है ठीक है ना। तो ऐसी एक्सरसाइज है, तो इसके नाम पता होने आपको बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत लोग हैं जिम्स के अंदर जिनके अभी भी उनको एक्सरसाइज के नाम प्रॉपर नहीं पता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे थोड़ा सा बैकवर्ड होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे दिस इज साइड लेटरल, ओके, दैट इज़ फॉर शोल्डर। दिस नेम एक्सरसाइज का नाम इसका क्या है, साइड लेटरल। और लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्लाई लगा लो खड़े होकर। फ्लाई क्या होता है यार, व्हाट इज दिस यार। और कई तो ऐसे ही करोगे भाई ये कर ले इसका नाम ये कर ले तो है नहीं भाई गुड एक्सरसाइज का नाम होगा। तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसमें ऐसे बहुत लोग ऐसे जिमों में जिनको एक्सरसाइज के नाम ही नहीं पता होता। तो कई अब मैं बताता हूँ कि भाई कोई थाइस कर रहा है एक्सरसाइज, तो उसको कहेंगे भाई तू एक्सटेंशन लगा ले, तो वो आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे आपने पता नहीं कौन सा इसको लैटिन वर्ड निकाल के दे दिया भी, एक्सटेंशन को समझ नहीं आ रहा भी कौन से करनी है। तो आपकी तरफ से पहले दो मिनट ऐसे देखता भी क्या बोल दिया, तो उसको बताना पड़ता है भाई बैठ के एक एक्सरसाइज है उसको लैग एक्सटेंशन बोलते हैं, वो कर ले। तो लोगों को नाम ही नहीं पता बेसिकली एक्सरसाइज के। अब किसी को आप बोल दो लेग कर्ल करने, तो पहले तो उसको मशीन नहीं पता चलती लेग कर्ल की मशीन कौन सी है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता चलती लोगों को। अब किसी को बोलते ओवर हेड एक्सटेंशन करनी है, तो उसको वो परेशान हो जाता है, मुझे क्या बोल दिया उसने भी, ऐसा क्या हो गया। तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी कल को अगर आपको कहीं, अब सपोज करो आप कहीं यार हॉलीडेज पे गए हो, कहीं गए हो आप, वहाँ पे होटल्स होते हैं जो फ्री के, वो करते हैं एक्सरसाइज यार, होटल्स के अंदर जिम होते हैं। मैं भी जाता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो अब हमें एक्सरसाइज का नहीं पता होगा, नाम नहीं पता होगा, तो हम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। अगर वहाँ पे लिखा भी है मशीन के ऊपर, तो हमें समझ ही नहीं आएगा ना किस चीज़ के लिए है। तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, नेम ऑफ एक्सरसाइज लोगों को नहीं पता होते। अब मैं फ्लोर की एक्सरसाइज की बात कर लीजिए, फ्लोर पे मैट पे है ना एक्सरसाइज करते हैं, तो 56 तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जी मैट पे अगर हम करें। अब तो बहुत ज़्यादा हैं, चलो लोग बहुत ज़्यादा यूनिक अपने अपने तरीक़ों से करते हैं। तो उसके अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ें भी लोग चार या पांच एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, बाकी तो उनको पता ही नहीं है अभी कौन सी करनी कौन नहीं। और ऊपर से सबसे ज़्यादा उनको ना तो उनके नाम पता है, अगर किसी को भी क्रंचेज लगा ले तो वो पहले देखेगा भी करना क्या है, हाफ लगाने हैं कैसे लगाने हैं, लेग रेजेज लगाने हैं तो कौन सी लगानी है, तो किसी को कुछ नहीं पता। वी अप क्रंच लगाने हैं तो नहीं पता। तो ये पता होना बहुत जरूरी है आपको बेसिकली। सो बस मेरा यही था आज का टॉपिक आपको समझाने का भी, नेम ऑफ एक्सरसाइज पता होना बहुत जरूरी है। जैसे अब आपका नाम है, आपको भी आपके नाम से पुकारेंगे, तो पता है आपको भी बोले ओए इधर आ जा, तो वो कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगता है। ऐसे आपको भी नाम पता होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑन रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट। सो नीचे एक लिंक दिया है, उस पर आकर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ऐसे ही देखते रहिए। ऐसी नई नई वीडियोज़ मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा, और अपने नए हेयरस्टाइल के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।